कहाँ से सीखे ये लोग, इनका गुरु कौन है? पूरा YouTube में देख के सब सीखे। YouTube में? हाँ। YouTube में क्या चोरी सिखाते हैं क्या? हाँ सर। जेल में लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? सर पूरा बहुत नाम चलते नाम चलता है देखो। बाइक चोरी लगा था, कितने बाइक चुराए थे? 6-7 हो बाइक तो कुछ है। जिस दुकान में चोरी हुई इन्होंने चोरी नहीं करी, इन्होंने केवल शटर उठा के रखा, शटर है ना। अरे भाई ये क्या है, देखते हो जेल में वीडियो देखे मेरा कभी? पूरा देखे इस बार का। 4 से 3 तो नाबालिग निकल गए, तुम ही एक बालिक हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? ऊपर हो गए। अरे कितने दुखी हो रहे हो, 18 से ऊपर हो गए। कितने ऊपर हुए हो? 18 हो गया। 2 महीने के बाद 19 हो गया। कब से कर रहे हो ये चोरी का काम? सर इसको 1-2 दिन बस गया था सर, रात 1-2 दिन गए थे रात। आपके फेसबुक लाइव का सेकंड है, दुआ पकड़ा है ये 11 पूछ रहा था सर आपको है नहीं। अभी कह रहा 1-2 दिन से गए हो, तो पहले भी जेल जा चुके हो तू? हां सर। 11 मोटरसाइकिल। कितने दिन के लिए जेल गए थे, कब गए थे जेल? सर 2015 अगस्त गए सर, अगले साल के। अगले साल के 15 अगस्त को गए थे भाई, जब देश आजाद हुआ। तुम्हारे जैसे चोरों से तो आजादी मिली नहीं अपने को, कब मिलेगी आपके जैसे चोरों से देश को आजादी? उस टाइम नाबालिग हो गए, बालिग थे उस टाइम? टाइम भी बालिक थे, जस्ट बालिक हुए हो गए। कितने दिन जेल रहे थे? सर 9 महीने रहे। 9 महीने तो बच्चा निकल जाता है 9 महीने में। गिरफ्तार होते ही आपको पूछ रहा था, सबसे पहले इंडोगेशन ने पूछ रहा था मेरे, पूछा था साहब है कि नहीं, सबसे पहले साहब है कि नहीं, कोई लाइव करने की प्रेफर रहा। तुम सोचोगे भाई प्रसिद्धि फैलेगी, इसमें कौन सी प्रसिद्धि है भाई? बहुत खुश हो रहे हो मेरे से मिलके, ऐसे मिलने से क्या फायदा? पिछली बार किस केस में गए थे? बाइक चोरी लगा था। बाइक चोरी लगा था, कितने बाइक चुराए थे? 6-7 हो बाइक तो कुछ है ही नहीं। सही बात है, 6-7 तो बाइक, और उसके बाद निकले तो ये सब काम में लग गए। कब निकले जेल से? कितने महीने पहले निकले? अभी अभी छूटे हो। कितने दिन पहले? 2 दिन। कुछ दिन पहले छूटे और फिर लग गए। अगस्त में गए तो अगस्त 15 अगस्त को, 15 सितंबर 1 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 9 महीने तो मई हो जाता, अभी तो छूटे ही हो तुम। छूटते ही अगले दिन फिर चोरी में लग गए। इसको नहीं क्यों सर, ये सोने चांदी वाले नहीं क्यों, रवि लोग क्या है सर इसको? रवि लोग तुम क्या शटर उठा रहे थे तुम तो यार पुण्य का काम। जिस दुकान में चोरी हुई इन्होंने चोरी नहीं करी, इन्होंने केवल शटर उठा के रखा, शटर है ना। अरे यार तुम तो, अरे भाई ये क्या है, यही है तो ये चोरी में योगदान नहीं हुआ? हाँ एक ही रात में 6 दुकान तोड़े। एक ही रात में 6 दुकान में जोरदार है एकदम कलर सर, सीसीटीवी डीवीआर को फेंक दिया, ये तो फिक्सर मार दिया एक ही रात में। तुम यार सिंगल विंगल लेते ही नहीं हो क्या? तुम्हारे जैसे बैट्समैन अभी 2-4 महीने बाहर रह जाते तो मेरी तो त्राही त्राही कर देते। आपको पूछता भी है? हाँ आपको पूछता है कि मुझे तो याद करता है। देखते हो जेल में वीडियो देखे मेरा कभी? पूरा देखे इस बार कैसे जवाब दूंगा? कितने कितने सारे वीडियो देखे? 70-80 वीडियो देखा निकल, 2 दिन पहले जेल से निकला ही और 80 वीडियो भी देख लिया। देखो लाइक भी किया, देखो यार ये भी हमारा व्यूअर है, लाइक करता है। जब जेल में लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? सर पूरा बहुत नाम चलते सर, नाम चलता है देखो। पुलिस ने पकड़ा था ऐसा क्या, अभिषेक सर ने पकड़ा है देखो, सब जानते हैं। देखो पकड़ते आप वो नाम मेरा है, मैं जैसे इंट्रोडक्शन शुरू किया, अरे भाई पकड़ते आप वो नाम मेरा है। देखो सर आप ही ना मार्गदर्शन है ना सर, नेता तो आप ही है सर, लीडर नेता नहीं बोलो यार, नेता नाम बोलो यार।
कोर कमांडर तो यार ये चोरिया काम छोड़ देंगे थे वो छोड़ दूंगा सर बाहर बैठूंगा सर हाँ मत किया करो यार देखो वो नावारी जब बच गए तुम फिर जेल चले गए 9 महीने बाद निकले थे फिर 3-4 महीने के लिए हुए अंदर इस बार पकड़ में नहीं आए करके कैमरा को घुमाते थे लेकिन देखे तो कैमरा हाँ, कैमरा क्या किया डीवीआर को कहाँ फेंके तालाब में फेंक दिए डीवीआर निकाले कैसे नहीं निकला तालाब से नहीं निकला तुमने दुकान से कैसे निकाला कैसे पता चला डीवीआर यहाँ पे रवि पूरा तोड़ दिया था रवि तोड़ दिया था क्या किया फिर तालाब में फेंक दिए कहाँ के तालाब में कहाँ पे तो तुम्हारे नाबालिग लोगों से दोस्ती कैसे हुई तुम जेल से निकले फिर दोस्ती कैसे हुई इनसे सर उम्मीद लोग बुलाते थे सर चपला से डाना हाँ चपला से डाना सर घूमने के लिए घूमने के लिए आना तो इतना चोरी जो किए सामान का किए क्या तुम लोग रखे ही हुए थे पुलिस पकड़ ली और कौन कौन है तुमने गैंग में 3 तो पकड़ा गए और कौन कौन है चोरी करने वाले लोग 3-4 लोग और कोई चोरी करने वाला जिसको जानते हो तुम जिसका अच्छा नाम है चोरी के दुनिया में वो जानते हो ना सब चोर सबको नहीं देखा हूँ सर मैं अपने गांव से देखे हो बाइक चोरी किसके साथ किए थे वो तो कुलेश्वर के साथ किए थे वो कहाँ है अभी उधर जेल में है नहीं नहीं सर यही है आया हुआ है उसी ग्रुप का है नाबालिग वही नाबालिग पर बाइक चोरी भी किया हमारे यहाँ ऑटो चोरी भी जा चुके ऑटो चोरी भी किया ऑटो चोरी भी कर चुके हैं पूर्व में ऑटो चोरी जा चुके हैं एटीएम में भी प्रयास किए थे एक ही बताओ ये जो दुकान वाले लोग हैं ये कैसे चोरी से बच सकते हैं क्या सलाह है तुम्हारी कैसे बच सकते हैं ये सोने चांदी वाला हम नहीं बता सकते सर इसमें 2 लोग थे रवि और वो यानी शटर उठाया तुमने ही ना शटर कैसे बच सकते हैं मान लो मैं दुकान खोलना है अपना और तुम्हारे चोरों से बचना है तो क्या करना चाहिए मुझे शटर उठाना से बचना तब वही बताओ शटर को लगा दे चलो यार लगा देना ठीक बोल चोरी का ये छोड़ दो यार वो तो सबको पता है अरे यार अनंत को बहुत बोल रहा हूँ आज देर से बोल रहा हूँ यार इधर आओ क्योंकि सारे चोरी रूरल एरिया के हैं तो रूरल एडिशनल एसपी अनंत साहू जी जनता को बताएंगे चोरी से कैसे बचा जा सकता है आओ अनंत बोलता है पूरे टाइम एसपी साहब दिखते हैं मुझे मौका ही नहीं देते आओ यार ले दे ग्रामीण का मौका भी जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार दुर्ग पुलिस एसपी सर के मार्गदर्शन में सभी प्रकार के अपराध चाहे वो संपत्ति संबंधी अपराध हो या शरीर संबंधी अपराध हो लगातार कार्रवाई कर रही है और हमारी कोशिश रहती है कि घटना हो घटना से पहले ही हम पकड़े लेकिन फिर भी जहाँ भी घटना होती है घटना होने के बाद हमारी जो एसीसीयू की टीम है और थाना की टीम है संयुक्त मार्गदर्शन में काम करती है सभी से अपील है कि लगातार जैसे सर ने निर्देश दिया है कि क्या कैसे बचा जा सके तो सभी दुकानदारों से सभी जो बड़े स्थान संस्थान हैं उन लोगों से एक निवेदन है कि अधिक से अधिक सीसीटीवी लगाएं सीसीटीवी का एक चूंकि जैसे आप जानते हैं कि इन्होंने सीसीटीवी लगाए थे लेकिन सीसीटीवी का जो चेहरा है चूंकि नकाब ढक के आते हैं और सीसीटीवी को मोड़ भी दिए थे एक जगह मोड़ दिए थे और दो जगह को सीसीटीवी का डीवीआर को उठा ले गए तो इसका दूसरा ऑप्शन यह है कि सीसीटीवी का डीवीआर जहाँ भी रखा जाता है उसको हाइड करके रखें पहला तो एक सीसीटीवी का हाइड हिडन कैमरा पक्का एक हिडन कैमरा भी रखें दूसरा सीसीटीवी को एक डीवीआर जो है उसका डीवीआर को आप उसको जहाँ से छुपा के रख सकते हैं एक छुपा के छुपा हुआ स्थान पर रखें और तीसरा आजकल सभी प्रकार के डीवीआर में सीसीटीवी में जो वाईफाई के माध्यम से कैमरे में होता है तो कैमरे में उसका कैमरे का इसका फीड लें ताकि आपके दुकान में अगर कोई घुस रहा है या आपके घर में कोई घुस रहा है तो आप लाइव इवेंट आप देख सकते हैं कि उसका फीड आपको मिल सकता है जैसे कि अमलेश्वर की घटना में लड़के ने दिया था और साथ ही साथ एक चौथा है अगर 4-5 दुकानें हैं 4-5 दुकानें के एक संयुक्त करके अगर बेहतर होगा यद्यपि पुलिस का फिक्स पॉइंट लगता है लेकिन चूंकि रूरल क्षेत्र में बहुत लंबा चौड़ा होता है अगर 4-5 दुकानें एक जगह में तो अगर बंदोबस्त हो सकता है एक चौकीदार का प्राइवेट चौकीदार का तो एक चौकीदार लगाए लगातार दुर्ग पुलिस संपत्ति संबंधी अपराधों में और जितने निगरानी है लगातार चेकिंग करती है फिर भी घटना होती है लेकिन उस घटना से हम बच सकते हैं और लगातार हम उसका कार्रवाई कर भी रहे हैं धन्यवाद और सर का भी धन्यवाद और मौका देने के लिए सीएम साहब बोलेंगे आप
जैसा बता रहे हैं जो आनंद साहू सर ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, इम्पोर्टेंट बताया DVR को छिपा के रखें, आप वायरलेस भी रख सकते हैं, अपने मोबाइल में फीड रख सकते हैं, चौकीदार रख सकते हैं, CCTV हिडन जगह पे रख सकते हैं, कुछ CCTV जिससे कि चोर को पता ना चले, CCTV दुकान के बाहर रोड पे भी लगाए, क्योंकि होता क्या है काफ़ी बार वो जब दुकान के अंदर घुसेगा ढक के निकले लगा घुसता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो 100-200 मीटर जाने के बाद वो हटा लेता है अपना। तो हम रोड के ऊपर भी जितना CCTV लगाएं उतना हमारी सुरक्षा होगी। हम करते क्या है केवल अपने घर में लगाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम चौक चौराहे रोड पर CCTV ना लगाएं, लेकिन कम से कम दुकान में तो लगाएं कम से कम। इस केस में भी क्योंकि दुकान में CCTV था तो पहचान करने में काफ़ी आसानी हुई। कहीं से YouTube ये भी कहीं से सीखा होगा क्योंकि बाइक चोरी आ जाओ यार, ये चोरी जो हमारे दोस्त हैं 2-3 जो चोरी करते हैं तीनों, कहाँ से सीखे ये लोग, इनका गुरु कौन है? पूरा YouTube में देख के सब सीखे। YouTube में हाँ। YouTube में क्या चोरी सिखाते हैं क्या? हाँ सर है क्या चोरी वहाँ से सीखे? कोई गुरु भी है क्या तुम लोगों का? नहीं सर, गुरु कुछ नहीं सर, पूरा YouTube से पूरा ज्ञान लेते हैं सर। सब यूट्यूबर हैं भाई, यूट्यूब का भाई अच्छा इस्तेमाल करना है, इसे इस्तेमाल नहीं करना है ठीक है? देखो दो तो चलेगा, हैट्रिक नहीं मारना है ठीक है? एक बार जेल की हैट्रिक हो जाएगी आपकी, दो बार तो चले गए। गलती हो गया सर, भूल जाओ जेल को यार, जेल में क्या इतना अच्छा लगा कि निकलते ही फिर जेल की सैर कर ली। सोचे नहीं थे कि तुम पुलिस पकड़ेगी, ऐसा क्या यार? देखो गलत काम करोगे तो पकड़ाओगे ही कभी ना कभी। अब जेल से निकलोगे तो क्या काम करोगे? सर भवन में काम करूंगा सर, शादी वादी होते हैं सर। शादी वादी में ये उठा रहे काम तो नहीं करोगे शादी वादी में? पार्टी वार्टी चलते तो सर काम करता हूँ ना, घास पास कितना लिफाफा है। अरे शादी के लिफाफे गायब करना मत शुरू कर देना, तुम करूँगा एफ आई आर नहीं करूँगा सर कभी। हाँ चलो गुड।